गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम सीखेंगे लेसन नंबर 1, फोर डिजिट नंबर। फोर डिजिट नंबर यानी क्या? जहां 1 की प्लेस पे कोई नंबर हो, 10 की प्लेस पे कोई नंबर हो, 100 की प्लेस पे कोई नंबर हो और 1000 की प्लेस पे कोई नंबर हो, उसे हम कहते हैं फोर डिजिट नंबर। अभी तक हमने सीखा था थर्ड स्टैंडर्ड तक थ्री डिजिट नंबर। थ्री डिजिट नंबर का एग्जाम्पल है 374, यानी 100 की प्लेस पे 3, 10 की प्लेस पे 7 और यूनिट या जीरोस की प्लेस पे 4। अभी हमने सीखा था सबसे बड़ा थ्री डिजिट नंबर यानी 999। जब इसमें हम नंबर 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है फोर डिजिट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर है 1000, यानी थाउजेंड्स की प्लेस पे 1, हंड्रेड्स की प्लेस पे 0, टेंस की प्लेस पे 0 और वंस की प्लेस पे 0। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हमारा नेक्स्ट फोर डिजिट नंबर है 500, 5312, यानी थाउजेंड्स की प्लेस पे 5, हंड्रेड्स की प्लेस पे 3, टेंस की प्लेस पे 1 और 0 की प्लेस पे 2। इसको हम अब स्पेलिंग में सीखेंगे। हमारा स्पेलिंग का एग्जांपल है 4921, यानी 4921। जब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते 3211, इसको हम स्पेलिंग में कैसे लिखेंगे? 3211। अब हम सीखते हैं फॉरवर्ड नंबर, बैकवर्ड नंबर, जिसको हम सक्सेसर और प्रीसीडर भी कहते हैं। फॉरवर्ड नंबर में क्या होता है? जो हमारा फॉरवर्ड नंबर रहेगा, यानी जो हमें नंबर दिया रहेगा, उसका हमें नेक्स्ट नंबर लिखना है। जैसे कि इधर हमने लिया है 1008, तो उसका नेक्स्ट नंबर यानी उसका फॉरवर्ड नंबर क्या रहेगा? 1009। उसे ही हम दूसरे लैंग्वेज में सक्सेसर कहते हैं, यानी जो हमारा नंबर दिया रहेगा, जैसे कि 3097, उसका हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 3098। अब हम करते हैं बैकवर्ड नंबर, यानी जो नंबर हमें दिया है उसके पहले आने वाला नंबर। जैसे कि हमें दिया है नंबर 5430, तो 5430 के पहले कौन सा नंबर आता है? 5429। उसको ही हम दूसरे इसमें प्रीडिसेसर मतलब प्रीडिसर भी कहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट नंबर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 4200, यानी उससे पहले आने वाला नंबर यानी उसका बैकवर्ड नंबर है 4199। तो आज हम हमारा सेशन यही खत्म करते हैं।